हेलो फ्रेंड्स, राज टेक केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और क्रोम ब्राउज़र पर जाके यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर सर्च कर देंगे जीमेल लॉगिन। सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे वाले लिंक पे, आपके सबसे ऊपर जो लिंक है वहीं पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले से एक ईमेल आईडी लॉगिन है, तो आप पहले इसको लॉग आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे आरजे जो लिखा है वहाँ पर क्लिक करने के बाद एड एनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ये जैसे ही ओपन हो जाएगा यहाँ पे अपना जो आप जिस ईमेल आईडी का आप पासवर्ड भूल गए हैं उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल आईडी को, rr52947@gmail.com। उसके बाद से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि इंटर लास्ट पासवर्ड, यानी कि आपको पिछली बार जो आपने पासवर्ड डाला था उसका लास्ट अंक डालना था, लेकिन आप कोई सा भी इसमें कोई सा भी अंक डाल सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने एक अंक ले लिया और अंक डाल देने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपली आ गया दोस्तों क्रिएट पासवर्ड है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना। तो यहाँ पे पासवर्ड जैसे क्लिक कर क्रिएट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पासवर्ड वैसा बनाना है जो स्ट्रांग हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैपिटल लेटर में कोई सा भी ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया एक कैपिटल लेटर, लेने के बाद आपको एक सिंबल लेना है। जैसे मान लीजिए कि हैच हो गया, चाहे एट द रेट हो गया या डॉलर का सिंबल हो गया, इसमें से कोई सा भी आप सिंबल एक लेंगे। तो हमने ले लिया है और एक स्मॉल लेटर में, फिर यहाँ पे मान लीजिए जे ले लिया हमने स्मॉल लेटर में। उसके बाद से अंक डाल देना है और यहाँ पे कॉन्फर्म पासवर्ड मांग रहा है तो कॉन्फर्म करेंगे पहले। सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक कैपिटल लेटर का ABCD में लिया था और फिर एक सिंबल लिया था, फिर हमने एक स्मॉल लेटर में लिया था और हम काउंट डाले थे। उसके बाद ये दोस्तों आठ अंक से ज़्यादा नहीं, मतलब कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, यानी कि आपको 8 कैरेक्टर्स किसी तरह भी डालना होगा और उसके बाद से सेव कर देना है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सक्सेस हो गया है आपका ईमेल आईडी जो पासवर्ड है वो ले लिया है। तो दोस्तों, आप इस तरह से आप अपने पासवर्ड को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, आपको दोबारा ईमेल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अगर और वीडियो चाहते हैं और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।